इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष, जहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जी हाँ, मैं बताती चलूँ कि ड्राइविंग को लेकर के भी सरकार पहले से ही इसकी पहल शुरुआत कर चुकी थी और लोगों को तरह तरह की बातों से भी, नुक्कड़ नाटक से भी जागरूक किया जा रहा था कि किस तरह से वाहन चलाए, ना कि पीकर चलाए, हेलमेट का प्रयोग करें, और भी ऐसे बहुत सारे तरीके थे जिसे सरकार ने उन्हें जागरूक करने का काम किया, पर कहीं ना कहीं ये हमेशा असफल रहते हैं और लोगों को इससे दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं और इस पहल को फिर से आगे बढ़ने की बढ़ोतरी देते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर हम आपको विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग बैनरों तले जो है सड़क सुरक्षा अभियान लगातार चलाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन ही हमेशा की तरह सड़क सुरक्षा तो रहती है, ट्रैफिक बूथ में ट्रैफिक पुलिस तो ज़रूर रहते हैं, पर लोगों की जो हरकतें हो वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। शराब पीकर बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट के प्रयोग कर लोग जो है और ड्राइविंग करते नज़र आते हैं, और जबकि आगे जाकर किसी दुर्घटना का शिकार होते नज़र आते हैं। हमारे साथ और लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातें करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ कहना है उनका। सर, आप लोगों ने फिर से एक पहल जारी की है सड़क दुर्घटना को लेकर, आए दिन सुर्खियों पे ये चीज़ बनी रहती है, सड़क दुर्घटना आए दिन 30 से 35 लोगों की दुर्घटना जो है सामने नज़र आती है। आप लोगों ने एक बार फिर से इस पे छलांग लगाई, तो क्या लगता है कि आप इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि सरकार इससे पहले भी लगातार कई तरह की कोशिशें जारी कर चुकी है। इरादा अगर नेक होने से असफलता की सोच नहीं होती है, तो हम लोगों का इरादा है कि लोगों को जागरूक करें। हर लोग अपने परिवार के लिए बहुत कीमती होते हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं में मौत भारतवर्ष में हो रही है, तो इसका वजह क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसमें लोगों को सोच विचार करनी चाहिए। लोग जानते हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते हैं कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाना, सभी लोगों को जानकारी है। लेकिन जानकारी के बाद भी अगर ये सब करते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे उनके परिवार वालों में कितनी समस्या और कितनी परेशानी उत्पन्न होती है, तो वही उनके होने के बाद क्या होगा उनका। और ऐसा नहीं है कि हर हादसा के बाद, हर दुर्घटना के बाद मौत ही हो जाती है, बहुत सारे का ज़िंदगी भर के लिए पैर गंवा देते हैं बहुत सारे लोग, हाँ ज़िंदगी भर के लिए, ज़िंदगी भर की बहुत सारी परेशानी आ जाती है। तो लोगों को यही जागरूक करना है कि आप अपना सेफ्टी से गाड़ी चलाएं। एक आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बहुत सस्ती नहीं कि लोग गाड़ी में निकलते सड़क दुर्घटना होती है, मौत हो जाती है, तो किसी का पैर टूट जाता है, तो किसी का पैर कट जाता है, तो अगर एक पैर कट जाता है तो ज़िंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो जाते हैं। किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग अभी बैनर के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, उसके बाद पर्ची हर चौराहे पे पर्ची भी प्रदान करेंगे लोगों को, और फिर हम लोग नाटक के तौर पे भी करेंगे, स्लोगन के माध्यम से करेंगे, स्कूल में कॉलेजेस में जा करके लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयर करने का काम करेंगे। इसमें सरकार का किसी तरह का सहयोग या फिर आप लोग की कोई सोसाइटी बनी है कुछ नाम? ये सोसाइटी बहुत पुरानी नहीं लेकिन पुरानी है, इंडियन हेल्प सोसाइटी के नाम से। आए दिन रांची के या पूरे झारखंड के मुद्दों को लेकर के ये रहती है। अभी कुछ दिन पहले बड़ा तालाब का भी मुद्दा हमारी सोसाइटी ने सबसे पहले उठाया था कि बड़ा तालाब का पानी जहरीला हो रहा है, इसे बचाना हम लोगों का काम है। उससे पहले भी लगातार हमारा सोसाइटी कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर के खड़े होती है। तो अभी हम लोग का, हमारी सोसाइटी ने ये निर्णय लिया है कि संपूर्ण भारतवर्ष में सड़क सुरक्षा अभियान हम लोग चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मोहम्मद शाहनवाज, संस्थापक इंडियन हेल्प सोसाइटी। तो जिस तरह से आपने सुना कि इंडियन हेल्प सोसाइटी के द्वारा ये अभियान जो है चलाया जा रहा, हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखलाएंगे, बैनर पे एक नंबर भी जारी इन्होंने किया है कि जिस तरह से भी दुर्घटना में लोग फंसते हैं, डूबते नज़र आते हैं, उस तरह से यहाँ पे लोगों को अवेयर करने का भी जो है काम किया जा रहा है, और अवेयरनेस ये स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह, हर संस्थान पर जाकर करवाएंगे। वहीं मैं भी आपको बताती चलूं कि जीवन बहुत ही अनमोल होता है, इसे आप भी संभल कर चले, हेलमेट का प्रयोग करें, शराब पीकर ड्राइविंग ना करें, क्योंकि हर जगह लिखी होती है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपकी जीवन बहुत ही अनमोल है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।